Okay, so good morning all of you. Good morning, ma'am. We'll start our accounts next topic, which is about PL and appropriation account. As you can see on the board, I'm sharing one screen. Okay, so can you see here profit and loss appropriation account? I have made some points to remember, which you can see on the board. Yes, ma'am. As you can see, profit and loss appropriation account, which we need to consider, the first point is amount should be for the complete year. This point is very much important because it will make your questions confusing, because each and every time the amount will be different. We can say that for the first time it is given that the amount for salary or interest on capital or any other entry for the profit and loss, the amount can be of 1 month, 2 month, 3 month. But which thing you will keep in your mind is you need to add the amount in the profit and loss appropriation account for the whole year. पूरे एक साल का जो अमाउंट है वो ही आप उसमें ऐड करेंगे. अगर एक महीने का दे रहा है या आपका दो महीने का अमाउंट दे रहा है या सिक्स मंथ्स का अमाउंट दे रहा है, आप वो नहीं ऐड करेंगे. आप उसके अकॉर्डिंगली उनमें कैलकुलेशंस करके पूरा एक साल का अमाउंट ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ऐड करेंगे. इज दैट क्लियर? आप ना सर हिला सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट विच यू नीड टू रिमेम्बर इज इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन then it must be taken back. ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिया होता है. You know that very much that on the credit side we always show the net profit. ठीक है, तो जब हम net profit दिखाते हैं तो वो net profit कई बार आपको अलग तरीके से दिया होता है. कई बार आपको दिया होता है कि this is the profit before salary और this is the profit after salary. तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट दे रखा है. देखो, हम जब अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो हमारी एक बैलेंस शीट का प्रोसेस है, जब हम बना रहे होते हैं तो वहां पे कभी भी हम पार्टनर्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है प्रॉफिट से, या पार्टनर्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है. लेकिन एक नया टर्म स्टार्ट हुआ है कि अब जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरा टोटल नेट प्रॉफिट आ गया है तो अब आपको पार्टनर्स को सैलरी देनी है. क्लियर? वो पार्टनर की सैलरी की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज की सैलरी की बात नहीं कर रहे. एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगी. बट इफ इट इज अ सैलरी ऑफ अ पार्टनर, इट हैज टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. बट कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉफिट दे रखा है, लेट से द प्रॉफिट इज गिवन लाइक दैट, 80,000 प्रॉफिट. प्रॉफिट इज 80,000 बिफोर सैलरी. बिफोर सैलरी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी है अभी, उससे पहले वाला प्रॉफिट है ये. यू गेटिंग मी? इसमें बोल रहा है कि आपको पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी है, उससे पहले वाला प्रॉफिट है. तो जब भी ऐसे दिया हो प्रॉफिट बिफोर सैलरी या प्रॉफिट बिफोर कमीशन या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ही प्रॉफिट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. कहने का मतलब ये है कि जब प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाए तो वो ऐसा प्रॉफिट हो जहां पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दी हुई हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ना प्रोवाइड किया गया हो, उनसे ना लिया गया हो, ये सारी चीजें उसमें ना नहीं हो. यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो बोल रहा है कि ये ऐसा प्रॉफिट है कि प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, इफ इट इज गिवन दैट दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, तो फिर आपको पहले वो सैलरी का अमाउंट उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा. क्योंकि सैलरी आप पहले से डिडक्ट करके आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं दिखा सकते. समझ आ रही है बात? अगर आपको सैलरी देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के जरिए ही देंगे. अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के जरिए ही देंगे. अगर प्रॉफिट में स्पेसिफाई किया गया है तो जितनी भी सैलरी आप उनको दे चुके हो आफ्टर सैलरी, इन केस जितनी भी सैलरी आप उनको दे चुके हो, आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको ऐड करोगे. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी. अभी जो मैंने बात सिर्फ इतनी बोली कि प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ये समझ आइए आपको. रोशनी समझ आइए? ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे. थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू बी फोकस्ड, it is if any adjustment related to profit and loss account,
exist. As I told you, कि सैलरी अगर आपकी पार्टनर्स की होती है तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगी, लेकिन अगर सैलरी एम्प्लॉयज की है तो किस में जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इज दैट क्लियर? वो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके फाइन. तो अगर आपको कभी भी इस तरीके की एडजस्टमेंट दी हो कि इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्जिस्ट, अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है, तो पहले क्या करेंगे आप, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वो एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे. अमन समझ आ रही है? अगर आपको दे रखा हो कि सैलरी भी दे रखी है अगर आपको, तो मतलब उन्होंने काम पेंडिंग रख दिया. उन्होंने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से सैलरी एम्प्लॉयज को नहीं दी और वो ही प्रॉफिट वहां पे दे दिया. तो पहले आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो काम है उसको खत्म करो. तो फर्स्टली शुड बी डन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ये क्या होगा? बिफोर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इट मींस बिफोर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने के लिए जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी हो. Is that clear?